सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 13 मार्च 2024 बुधवार का है दिन। और बुधवार को क्या होता है? बुधवार को होती है हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। लेकिन साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि विदेशी संस्थागत निवेशक क्या करके गए हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करके गए हैं। DIIs 12 मार्च यानी कल के दिन 2,358 करोड़ के नेट बाय में बैठे हुए हैं। और उसके खिलाफ FIIs कहां बैठे हैं? FIIs की बहुत थिन सी बाइंग है, थिन बाइंग कहूंगा, नेट बाय थिन है। 73 करोड़ का नेट बाय है। अगर बात करूंगा स्टैटिस्टिक्स की, FIIs की स्टैटिस्टिक्स की, FIIs का जो स्टैटिस्टिक्स है डेरिवेटिव्स का, वो ये कहता है कि कल FIIs बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स भी बाय करके गए हैं और निफ्टी का फ्यूचर भी बाय करके गए हैं। तो ये है डेरिवेटिव्स की कहानी। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी क्या कहता है। निफ्टी कल क्लोज हुआ है 22,335, बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी थी कल, 22,335 पर क्लोज हुआ है। अब ये जो क्लोजिंग है, ये पहली बात तो ये समझ लीजिए, नौ डेमा के आसपास ही हमारी क्लोजिंग है। 22,330 का 9 डेमा है और हम 335 पर क्लोज हो रहे हैं। यहां से मेरा शॉर्ट करने का कोई विचार बिल्कुल भी नहीं है। लेवल टू लेवल काम करने का मेरा विचार है और एकेडमिक लेवल्स हमारे लिए जो है वो क्या है, आइए उन पर बात करते हैं। जब तक 22,300 नहीं टूटता, कल का लो 22,256 है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, 22,300 नहीं टूटता, मैं 22,300 के नीचे ही एक बार उस सेल के बारे में सोचूंगा। 22,300 के नीचे अगर जाता है तो 22,256 जो कल का लो है वो एक हमारे लिए लेवल बन जाएगा। और 22,300 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स का काम कर सकते हैं। कल भी अगर आप देखोगे तो वहां से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर वापस उठता हुआ आपको दिखा है निफ्टी 50। कल 22,256 टिक नीचे गिरा और वहां पे कुछ भी समय नहीं लगाया, साथ के साथ ऊपर उठ के आपको आता हुआ दिख गया निफ्टी 50। अगर 22,256 भी कट जाता है तो 22,216-210 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। बट 9 डेमा से ऊपर है, शॉर्ट करने का मेरे दिमाग में कोई ऐसा विचार नहीं है जब तक लेवल्स ना कहें तब तक। अपसाइड की बात कर लेते हैं। 22,435 की कल क्लोजिंग हुई है। 22,452 के ऊपर जब तक हम चलना ना स्टार्ट करें, मैंने बोला चलना ना स्टार्ट करें, यानी कि सस्टेन भी होना जरूरी है वहां पे। सस्टेन करने के लिए हमको कम से कम 2 से 3 कैंडल्स 5 मिनट्स की 22,452 के ऊपर क्लोज होती हुई दिखनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम उसके बाद जाएंगे 22,484 की तरफ। 22,484 अगर ब्रीच करते हैं तो 22,516 की तरफ जाएंगे। और अगर 22,516 भी ब्रिज किया तो फिर ऑल टाइम हाई दोबारा से टेस्ट हो सकता है 22,526 का, 22,526 का। तो 22,452 के ऊपर बाय के लेवल्स हैं, 22,452 के ऊपर बाय एंड 22,300 के नीचे हम सेल के बारे में सोचेंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में जिसकी आज है एक्सपायरी। निफ्टी 9 डेमा के ऊपर क्लोज हो रहा है, बैंक निफ्टी 9 डेमा के नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी ये याद रखिएगा 9 डेमा से कोई बहुत ज्यादा नीचे क्लोज नहीं हो रहा। 9 डेमा जो निफ्टी 50 का बैठता है वो बैठता है 47,314 पर और कल हम क्लोज हो रहे हैं 47,282 पर। और कुछ लोग कहेंगे साहब आज ये नहीं बताया कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। गैप अप होने की उम्मीद जताई जा सकती है। उम्मीद देखिए, यहां पर सिर्फ मैं उम्मीद जता रहा हूं कि गैप अप होने के आसार नजर आते हैं, क्योंकि डेटा ऐसा कह रहा है कि बैंक निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर्स दोनों जो बाय करके गए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक और DIIs की कल कैश में अच्छी खासी बाइंग है, तो एक गैप अप होने के आसार तो बनते हैं।
अगर गैप अप होता है तो मुझे लगता है कि 9 DEMA के ऊपर ही हम ओपन होना चाहिए हमको। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए 47,314 एक बेस बन जाएगा। अब लेकिन चलिए दूसरी तरफ ही हम सोच लेते हैं कि अगर हम 47,314 के ऊपर ओपन हो भी गए या उसके आसपास ओपन हुए, उसके बाद हम नीचे को आना शुरू कर दें। कुछ लोग कहेंगे कि सर कल सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा था बैंक निफ्टी का जो ग्रीन में क्लोज हुआ है, और वो कौन सा है? HDFC बैंक। बहुत दिनों बाद कल HDFC बैंक में ताकत दिखी, लेकिन उसका साथ देने के लिए अलग से जो दूसरे 11 स्टॉक्स हैं वो रेड में ही क्लोज हुए हैं। कोई भी उसका साथ कल नहीं दे रहा था। एंड ऑफ द डे पे दिखा तभी हम 45 पॉइंट्स माइनस में क्लोज हुए हैं। अगर सोचिए कि एक भी HDFC बैंक का साथ दे जाता कल बैंक, तो कल हम बैंक निफ्टी कहां पर क्लोज होते? खैर बात कर लेते हैं, लेवल टू लेवल की बात करेंगे। और हम ये याद रखिएगा कि हमारे लिए अब फर्स्ट बेस 9 DEMA है। अगर हम इसके ऊपर ओपन होते हैं तो 9 DEMA हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। 9 DEMA बैठता है 47,314, यानी 47,300 का एक बेस हमारा बन सकता है। लेकिन दोस्तों अगर नीचे की तरफ जाता है तो हमारा बेस बनता है 47,000 पे, या ये कहिए 46,965 जो हमारा 20 DEMA है। 46,965 47,000 के आसपास अगर मिलता है तो शायद मैं वहां से अगर वापस बाउंस कर रहा हुआ और 47,000 के पार दोबारा जाता हुआ दिखेगा तो मैं वहां से एक बार को लॉन्ग के बारे में भली भांति सोचूंगा। हाँ 46,965 टूटता है तो यहां से एक बार को दिक्कत आ सकती है बैंक निफ्टी में। बात कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है बैंक निफ्टी की। 47,282 पर क्लोज है, और जब हम देखते हैं 47,200, 47,300, 47,500 तक बात करते हैं, तो पहली बात तो देखिए कल 47,200 300 पर कुछ कॉल राइटिंग हुई है 47,200 और 47,300 पर। मतलब डेटा ऐसा है कि आप, मैं हैरान हूं कि 47,400, 47,500, 47,400, 47,500 और इवन टू एन एक्सटेंट 48,000 तक अनवाइंड करके गए हैं लोग। कॉल राइटर्स अनवाइंड करके गए हैं। क्या इतनी तेजी का अनुमान लगा रहे हैं वो? आप यही सोच रहे होंगे कि अगर 48,000 तक के कॉल राइटर्स अनवाइंड करके जा रहे हैं, क्या मतलब हुआ इसका? या तो कल उन्होंने बुक किया है वहां पे, या वो यहां से उनको ऐसा खतरा प्रतीत हो रहा है कि बहुत तेज होने वाला है बैंकिंग सेक्टर और यहां से इनको निकलना ही बेहतर है। एक तो ये चीज हो सकती है। अब लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो सिचुएशन कॉल साइड पे ही नहीं ऐसी भयंकर है, पुट साइड पे भी अगर आप देखोगे, आप पुट साइड पर भी यही चीज देख रहे हो कि आप 47,300-200 के आसपास की ही बात कर रहे हो। पुट साइड पे 47,200-47,300 पर वहां पर भी पुट राइटिंग नहीं है। वहां तो लाजमी है कि नहीं होगी, क्योंकि आप 47,300 के आसपास तो क्लोज ही हो रहे हैं 47,282। तो अब प्रॉब्लम पुट राइटिंग में तो इतनी ज्यादा नहीं, कॉल राइटर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो खतरा उनको ऐसा लगा खतरा है, यानी कि अपसाइड का एक बहुत अच्छा रुख खुल रहा है, ओपन हो रहा है अपसाइड का एक रुख अच्छा खासा। डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो 47,100 बहुत अच्छा सपोर्ट है। 47,000 तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और दोस्तों उसके नीचे हमको मिलेगा सपोर्ट 46,800 का। 46,900, 46,800 ठीक ठाक सपोर्ट्स हैं, बल्कि 46,800 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ नजर तो आ रहा है। इस ऑप्शन चेन से तो ये प्रतीत हो रहा है कि 47,000 पे भी अच्छी खासी बेस है, और 46,965 तो आपको मैंने बताई दिया बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि वो 20 DEMA है। तो कोई डिप टुवर्ड्स 46,965, 47,000 से ऊपर जब वापस आने जाना शुरू करें, वहां से बाइंग करना एक अच्छा संकेत दे सकता है। बोला है, अब देगा या नहीं देगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि ये जो डेटा है इसको चेंज होने में समय नहीं लगता।
आप नजर बना के रखिएगा ऑप्शन चेन क्या कह रही है। ऑप्शन चेन पर आपको नजर बना के रखनी चाहिए। और दोस्तों कल आप लोगों ने देखा फिन निफ्टी में जीरो हीरो ने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है। क्या आज बैंक निफ्टी की जीरो हीरो भी अच्छा प्रॉफिट दे पाएगी, ये एक देखने का सवाल रहेगा। अगर मूवमेंट अच्छी आई तो भाई जीरो हीरो ने बहुत अच्छा पैसा बना के दे देना है। ये एक एकेडमिक स्ट्रेटजी है, एकेडमिक तौर पे जिसका आपने इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये स्ट्रेटजी का कल हमने वीडियो भी दिया है, बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी का। एंड स्क्रीन ऑफ दिस वीडियो में मैं उसको डाल भी दूंगा, उस वीडियो को एंड स्क्रीन में मैं डालने वाला ही हूं। अब दोस्तों बात ये कर लेते हैं कि अगला बैच जो अप्रैल वाला है, जो अप्रैल में बैच स्टार्ट हो रहा है, उसकी उसकी ऑलरेडी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं। कोई भी उसमें भाग लेना चाहे खुशी से आ सकता है। 10,000 रुपीज फीस है। फोन पे, पेटीएम या जी पे से आप पेमेंट कर सकते हैं। फोन नंबर जिस पे आपने पेमेंट करनी है फोन पे, पेटीएम, जी पे का 7834876736। सेम नंबर पर आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा विद योर नेम एंड योर लोकेशन की कहां से हैं। 25 सीट्स रखी गई हैं अगले बैच में, इस बार बढ़ाई गई हैं। पिछली बार तक 20 सीट्स से ज्यादा नहीं लेते थे, लेकिन इस बार हमने 25 सीट्स रखी हैं। तो भाई दोस्तों जिसको भी आना हो बाद में मत कहिएगा कि सीट्स फिल हो गए, क्योंकि सीट्स तो फुल हो ही रही हैं, तेजी से हो रही हैं। तो आप अपनी सीट को जल्द से जल्द कर लीजिएगा बुक। दोस्तों एंड स्क्रीन में बैंक निफ्टी का मैंने डाल दिया है, वो जरूर देख लीजिएगा जीरो हीरो कैसे काम करती है। एकेडमिक तौर पे वो स्ट्रेटजी दी गई है। याद रखिएगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी बातचीत यहाँ पर वीडियो में की गई है, जो भी इस चैनल पर बातचीत की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की जाती है। उसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडेज एक्सपायरी। बाय बाय।